साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी। एयर इंडिया हुई टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप ने स्पाइस जेट के चेयरमैन से लगाई ज्यादा बोली। लोगों की जेब पर फिर पड़ा असर, एलपीजी गैस सिलेंडर के बढ़े दाम। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक के खिलाफ अमेरिका कर रहा फिर से जंग की तैयारी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाने की तैयारी में, नाराज वरिष्ठ नेताओं को कर रहे एकजुट। प्रदेश में बढ़ रहे स्क्रब टाइफस के मामले, आईजीएमसी में दो और मौतें। और प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रस्तावित भर्ती पर भारत निर्वाचन आयोग की अनापति के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीफ टाइम्स में। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर और खबरें विस्तार से। लगभग दो दशक से पंजाब में कांग्रेस का पर्याय बने कैप्टन अमरिंदर सिंह अब नई पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कैप्टन ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर अपने तीखे तेवर से सभी को अवगत तो करवा ही दिया है। प्रदेश में कांग्रेस के नाराज वरिष्ठ नेताओं का एक बड़ा गुट है। कैप्टन उन्हीं को साध कर हाईकमान और पंजाब कांग्रेस को जमीन पर लाना चाहते हैं। पंजाब की अफसरशाही में कैप्टन की खासी पकड़ रही है। वहीं सरकार के साथ साथ उन्होंने संगठन पर भी अपना कब्जा हमेशा बरकरार रखा। कैप्टन के निकटवर्ती अब उन वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साध रहे हैं जिनको दरकिनार किया जा रहा है। राजेंद्र कौर भट्टल के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब कांग्रेस की कमान संभाली थी तो पार्टी की स्थिति डामाडोल थी। 1997 में तो कांग्रेस के सिर्फ 14 विधायक ही जीते थे और भाजपा अकाली दल का पूरा वर्चस्व था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी में जान फूंकी और 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी को सत्ता में लेकर आए और 14 से सीधे 61 विधायक कांग्रेस के जीते। कैप्टन ने सबसे अधिक झटका भाजपा को दिया जिनके सिर्फ 3 विधायक रह गए। 2007 में कांग्रेस का प्रदर्शन भी निराशाजनक नहीं रहा। कैप्टन के नेतृत्व में 44 विधायक कांग्रेस के जीते थे। इसके बाद कांग्रेस की कमान मोहिंदर सिंह केपी को मिली और बाद में प्रताप बाजवा को, लेकिन दोनों कांग्रेस को सत्ता तक नहीं ला सके। 2012 में कांग्रेस के 46 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे लेकिन सत्ता नहीं मिली। हाईकमान ने दोबारा कैप्टन को कांग्रेस का प्रधान बनाया और 2017 में कैप्टन दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए और 77 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। सूत्रों के अनुसार कैप्टन की टीम ने सभी से संपर्क साध रखा है और कैप्टन कांग्रेस को छोड़ने के बाद अपना अलग खेमा तैयार करने जा रहे हैं। जाहिर है कि चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन के कई निकटवर्ती नेताओं को किनारे लगाकर उनकी टिकटों की कांटछांट कर सकते हैं। ऐसे में कैप्टन उन नेताओं व साथियों को अपनी टीम में शामिल करेंगे। कई नेता कैप्टन के चुनावी जहाज में सवार हो सकते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम महीने के पहले दिन ही बढ़ गए हैं। वैसे इस बार ये बढ़ोतरी 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर पर हुई है। वहीं नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपए बनी हुई है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लग रहा था कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 900 रुपए के पार जा सकती है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 43 रुपए बढ़ी है। आज 1 अक्टूबर से दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1693 रुपए से बढ़कर 1736 रुपए हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 43 रुपए बढ़ाए गए हैं। महीने की शुरुआत में ही सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में फिर बढ़ोतरी कर दी है। मुंबई में 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के दाम 884 रुपए हैं। चेन्नई में एलपीजी सिलेंडर 900 रुपए में मिलेगा। लखनऊ में सिलेंडर के दाम 897 रुपए हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन में संकेत मिल रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए ग्राहकों के प्रति सिलेंडर 1000 रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि इस पर सरकार का क्या विचार है यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सरकार ने सब्सिडी के मुद्दे पर कई बार चर्चा की है लेकिन अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है। सूत्रों के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार दो रुख अपना सकती है। पहला ये कि सरकार बिना सब्सिडी के सिलेंडर सप्लाई करे और दूसरा ये कि कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाए। हालांकि सब्सिडी देने के बारे में अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक के खिलाफ अमेरिका फिर से जंग की तैयारी कर रहा है। इसके संकेत अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से दिए गए हैं। पेंटागन सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिका को हक है कि वे अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक जारी रखे। उनका कहना है कि हमें अधिकार है कि हम आतंक से लड़ाई लड़ते हुए अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें। पेंटागन की ओर से ये बयान उस समय जारी हुआ है जब तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी जारी की है। दरअसल अमेरिका के कुछ ड्रोन अफगानिस्तान के ऊपर उड़ते दिखाई दिए थे। इसके बाद तालिबान ने कहा कि अमेरिका दोहा समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इसको लेकर
अमेरिका को चेतावनी भी जारी की गई है। पेंटागन के सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि दुनिया भर में अमेरिकी लोगों की रक्षा करना हमारा अधिकार है और हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय ने पाकिस्तान को लेकर चिंता जाहिर की है। पेंटागन का कहना है कि पाकिस्तान से जुड़ी अफगान सीमा आतंकवादियों की पनाहगाह है और अमेरिका इसको लेकर चिंतित है। इस बीच अमेरिका ने तालिबान लड़ाकों को शरण देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना भी की है। पेंटागन ने दावा किया है कि तालिबान लड़ाकों को पाकिस्तान में सुरक्षित शरण दी गई, साथ ही उनका चिकित्सा उपचार भी किया गया। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ कोरोना संक्रमण का कहर तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर अब स्क्रब टाइफस ने भी अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। लगातार स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ रहे हैं और मौतों का सिलसिला भी जारी है। शिमला के IGMC में स्क्रब टाइफस से मरीजों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। गुरुवार को अस्पताल में 2 लोगों की स्क्रब टाइफस से मौत हो गई। IGMC में स्क्रब टाइफस से एक बुजुर्ग और एक महिला ने दम तोड़ दिया है। शिमला के IGMC अस्पताल में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में एक दिन में 2 मरीजों की मौत हुई है। घुमारवी बिलासपुर के रहने वाले बुजुर्ग मरीज को 24 सितंबर को अस्पताल में दाखिल किया गया था। मरीज का मेडिसिन वार्ड में उपचार चल रहा था, लेकिन मरीज की मौत हो गई है। सिरमौर जिले में स्क्रब टाइफस से ज्यादा मौतें हुई है। IGMC में सिरमौर के अलावा मंडी की महिला ने दम तोड़ा था। स्क्रब टाइफस रोग घास में पनपने वाले पिस्सू के काटने से फैलता है। यह जीवाणु चमड़ी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसमें तेज बुखार आता है और जोड़ों में दर्द और कंपकपी होती है। स्क्रब टाइफस से बचाव के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है और अपने घरों के आसपास घास ना उगने दें और साफ सफाई रखें। स्क्रब टाइफस की चपेट में युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सभी आ रहे हैं। चिकित्सकों ने विशेष तौर पर बागवानी और ग्रामीण महिलाओं को हिदायत दी है कि हरे घास के संपर्क में आने से पहले अपने हाथ में ग्लव्स पहन ले या घर आने के बाद अपने हाथों को साबुन के साथ अच्छी तरह से धोएं। अगर किसी में बुखार संबंधित लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अस्पताल में उपचार के लिए आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती पर भारत निर्वाचन आयोग की अनापति के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्ती में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदक सुबह 8 बजे से विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। इस बार आवेदन शुल्क ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी जमा किया जा सकेगा। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र पर आपत्ति न आने के बाद जिलों से अलग से अधिसूचना कराने के बजाय सीधे आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। पहले पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी भर्ती आदेश में संबंधित जिले की जिला भर्ती कमेटी को अलग से अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया था, लेकिन गुरुवार को तय हुआ कि चूंकि भर्ती को लेकर पुलिस मुख्यालय ने पहले ही अधिसूचना कर दी है, ऐसे में अलग से अधिसूचना नहीं निकाली जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भर्ती के संबंध में पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि अधिसूचना पहले जारी हो चुकी है। साथ ही जिस 1 महीने में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है, उस मियाद के दौरान पुलिस की भर्ती के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से चुनाव की तैयारियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब CEO कार्यालय में आपत्ति न जताने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। आवेदक सुबह 8 बजे से www.recruitment.hppolice.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप की हो गई है। टाटा सन्स ने घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए सबसे अधिक बोली लगाई। टाटा ग्रुप एयर इंडिया का नया मालिक होगा। कि मंत्रियों के एक पैनल ने एयरलाइन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आने वाले दिनों में एक आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। टाटा के साथ सरकार का सौदा पक्का होने से विमानन कंपनी की 68 साल बाद घर वापसी होगी। टाटा समूह ने अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से एयर इंडिया की शुरुआत की थी। वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और फिर टाटा समूह से इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ली। 31 मार्च 2019 तक कंपनी पर 60,074 करोड़ रुपए का कर्ज था। मार्च 2021 को समाप्त तिमाही में कंपनी के 9,500 से 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में रहने की आशंका है। एयर इंडिया खरीदने वाली कंपनी को 23,286.5 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। शेष कर्ज को विशेष उद्देश्य के लिए बनाए गए एयर इंडिया एसेट होल्डिंग्स लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि बाकी का कर्ज खुद सरकार उठाएगी। मौजूदा समय में एयर इंडिया 4400 घरेलू उड़ाने और विदेशों में 1800 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट को कंट्रोल करती है।
बता दें कि एयर इंडिया को बेचने की प्रक्रिया जनवरी 2020 में ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें लगातार देरी हुई। अप्रैल 2021 में सरकार ने एक बार फिर योग्य कंपनियों से बोली लगाने को कहा। 15 सितंबर बोली लगाने का आखिरी दिन था। साल 2020 में भी टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के अधिग्रहण को लेकर रुचि पत्र दिया था। सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के नियमों की ढील दी थी, जिसके बाद कर्ज में डूबे एयर इंडिया को खरीदने में कुछ कंपनियों ने रुचि दिखाई। नए नियमों के तहत ही कर्ज के प्रावधानों में नरमी बरती गई, ताकि स्वामित्व वाली कंपनी को अपना पूरा कर्ज वहन ना करना पड़े। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे, जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ,
रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।